आरसीए से बड़ी खबर आ रही है, पूर्व पदाधिकारियों पर केस दर्ज होगा, पूर्व पदाधिकारियों पर केस दर्ज कराएगा एडहॉक। रामपाल शर्मा भड़ाना और भवानी सामोता पर केस दर्ज किया जाएगा, अनियमितताओं के मामले में ये केस दर्ज होगा। इस वक्त की बड़ी खबर, महत्वपूर्ण खबर आरसीए से आ रही है। लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, आरसीए से बड़ी खबर, पूर्व पदाधिकारियों पर केस दर्ज किया जाएगा, पूर्व पदाधिकारियों पर एडहॉक केस दर्ज कराएगा रामपाल शर्मा भड़ाना और भवानी सामोता पर केस दर्ज किया जाएगा, अनियमितताओं के मामले में मुकदमा दर्ज किया जाएगा। आरसीए एडहॉक कमेटी के संयोजक जयते बिहारी ज्योति नगर थाने भी पहुंच चुके हैं। इस वक्त की बड़ी और महत्वपूर्ण खबर आपको बता रहे हैं, आरसीए से जुड़ी है, पूर्व पदाधिकारियों पर केस दर्ज करने की तैयारी है, पूर्व पदाधिकारियों पर एडहॉक केस दर्ज कराएगा रामपाल शर्मा। कौन कौन जरा देख लीजिए जो आरोपी है जिनके खिलाफ केस दर्ज होना है, भड़ाना और भवानी सामोता पर भी केस दर्ज किया जाएगा। इन सभी पर अनियमितताओं का आरोप है और इस मामले में अब मुकदमा चलेगा। आरसीए एडहॉक कमेटी के संयोजक जयदीप बिहारी लिहाजा ज्योति नगर थाने भी पहुंच चुके हैं और इन सभी पर अब केस दर्ज किया जाएगा। एडहॉक की तरफ से पूर्व पदाधिकारियों पर केस दर्ज करने की तैयारी चल रही है, बड़ी खबर आपको आरसीए से बता रहे हैं। लवली हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। लवली जरा पूरा मामला बताइए। देखिए बिल्कुल, आरसीए एडहॉक कमेटी है, उन्होंने जब से कार्यभार संभाला है उनको जो फाइल मिली थी उसके आधार पर जो वित्तीय अनियमितताओं के को लेकर के एक जांच पड़ताल की गई और काफी सारी आप दिखाएंगे हम आपको, ये देखिए पूरी वित्तीय अनियमितताओं में चुनिंदा है। ये कि किस तरह की अनियमितताएं मिली हैं और आज आप अभी अपैर देने के मुद्दे आने पर काफी ज्यादा है, हर काम में इरेगुलरिटी है। कोई किसी फर्म को जीएसटी बाद में वो अपना जीएसटी नंबर सही नहीं डाल रही है, ये बड़ी भारी अनियमितता है। इसका मतलब बैक डेट में टेंडर लिया गया है, टेंडर की डेट बढ़ा दी गई। कुछ ऐसी फर्में जो जीएसटी में उसके लिए मूल व्यापार नहीं है फिर भी उनको टेंडर दिए गए हैं। ओके रेज हुआ और भुगतान 160 करोड़ का हो गया। तो ये काफी चीजें ऐसी है जो तफ्तीश का मामला है और इसके लिए हमने पहले जो भी अब तक की उनकी रिपोर्ट थी उसकी सारी एक स्वतंत्र सीए के द्वारा हमने ऑडिट करवाई, जिसकी 363 पेज की एक रिपोर्ट हमारे पास है, वो हम लोग सारी साथ में लेकर के आए हैं। ये एफआईआर दर्ज करवाने से पहले सारी ऑडिट रिपोर्ट का पूरा अध्ययन किया गया और उसके बाद ये एफआईआर दर्ज हुआ। कौन कौन लोग हैं सर जिनके खिलाफ आप ये एफआईआर दे रहे हैं, कौन लोग इसमें शामिल थे जिन्होंने ये पूरा स्कैम जिसे हम कह सकते हैं कथित तौर पर ही किया है? पूरी वो जो पहले जो आरसीए की जो मैनेजमेंट थी वो सारी इसमें शामिल है। मुख्य रूप से देखिए जिन लोगों ने चेक पर साइन किए हैं वो लोग इसमें शामिल हैं, भवानी सिंह समोता, राजेश बढ़ाना, रामपाल शर्मा, ये मुख्य अभियुक्त हमने जो कुछ भी पाया उसमें बनाए गए। किस तरह का मामला निकला सर, टोटल स्कैम कितने पैसे का था और किस तरीके से ये इस पूरे स्कैम को अंजाम दिया इन लोगों ने? अब आप देखिए फर्म क्रिएट करके और उनसे बिल लेना या आगे पीछे करना, ये तो सारा पुलिस की तफ्तीश का मामला है। जब वो ये सीए की ऑडिट रिपोर्ट पढ़ेंगे या अपने जो भी इस अकाउंट्स के जानकार उनको दिखलाएंगे तो ये सारा रफड़ा निकल करके आ जाएगा। अब राशि का बताना तो बड़ा मुश्किल है कि कितनी राशि का स्कैम है, लेकिन कुल मिलाकर के स्कैम है। ऑडिट में जिस तरीके से जो अनियमितताएं हैं आपने भी बताई है, तो आपको क्या लगता है कि कब से ये चल रहा था और इसके ऊपर कोई तरीके से अभी आपने भी यहाँ पर देखा? देखिए जितना कुछ हमें मिला है, अब कब से चल रहा था कब से नहीं चल रहा था इस बारे में बताना तो मेरे लिए संभव नहीं है, लेकिन जब हमारी एडहॉक कमेटी आई है और हमने जब से पिछले 3 साल का रिकॉर्ड देखा है तो उस दौरान ये अनियमितता है, भारी भारी अनियमितताएं मिली। जी कहीं कहीं तो ऐसा है कि कोई फर्म को आज ही रजिस्टर्ड करवाई और कल ही उसको ठेका दे दिया, वो रजिस्टर्ड आज हुई है और कल उसको कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, तो कई इस तरह की अनियमितताएं जिसमें ये
सुना आपने कॉन्ट्रैक्ट देने में अनियमितता बढ़ती गई है। कई यहां पर बताया जा रहा है कि भारी अनियमितताओं के चलते भ्रष्टाचार हुआ और लिहाजा अब रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए तमाम ये लोग पहुंचे हुए हैं। आरसीए से बड़ी खबर आपको बता रहे थे, लगातार पल पल की अपडेट आपको देते रहेंगे। इस खबर से जुड़ी हुई बहरहाल खबरों में आगे बढ़ते हुए जयपुर का रुख कर रहे हैं, जहां पर काला डेरा फैक्ट्री में हादसे का मामला आया है, गंभीर रूप से झुलसे 7 लोगों का अभी इलाज चल रहा है। एसएमएस अस्पताल की बर्न यूनिट में इन सभी का इलाज चल रहा है। 30% से लेकर 95% तक मजदूर झुलस चुके हैं। तस्वीरें आपके सामने जहां पर उनका इलाज चल रहा है। आपको बता दें कि ये फैक्ट्री है जहां पर काला डेरा फैक्ट्री में हादसा हो गया और गंभीर रूप से झुलसे 7 मजदूरों का इलाज चल रहा है। बर्न यूनिट एसएमएस अस्पताल की जहां पर इनको भर्ती कराया गया है, इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि कुछ मजदूर ऐसे हैं जो 30% से 45% तक झुलसे हैं, जबकि कुछ की हालत काफी गंभीर है क्योंकि 95% तक उनका शरीर झुलस चुका है। बीकानेर से बड़ी खबर है, जहां पर पेट्रोल पंप से 2.5 लाख रुपए की चोरी हुई है। अज्ञात युवक ने गले से इन रुपयों को निकाला, चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। पुलिस ने मामले में एक अज्ञात को भी पकड़ लिया है। आरोपी से फिलहाल पुलिस पूछताछ कर रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं बीकानेर की, जहां पर देखिए 2.5 लाख की चोरी हुई पेट्रोल पंप से। अज्ञात युवक ने किस तरीके से गले से रुपया निकाले, ये सीसीटीवी में तस्वीर आपको नजर आ रही है, जहां पर आप देखिए एक व्यक्ति फोन पर बातचीत करता हुआ नजर आ रहा है और मौका पाते ही गले से रुपया निकालकर वहां से आसानी से फरार हो जाता है। साफ तौर पर नजर आ रहा है कि उसे ये सब कुछ पता था कि आखिरकार कहां पर क्या रखा हुआ है। कुल मिलाकर रेकी की गई थी। फिलहाल पुलिस इसी फुटेज के आधार पर आरोपी की तलाश करने के बाद अब उससे पूछताछ कर रही है। ये व्यक्ति अब पुलिस ने इसे पकड़ लिया है। हनुमानगढ़ के संगरिया थाना परिसर में युवती ने खुद पर पेट्रोल डालकर आग लगा ली। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने आग बुझाई और युवती को तत्काल संगरिया अस्पताल पहुंचाया। यहां पर हालत गंभीर होने पर महिला को हनुमानगढ़ जिला अस्पताल रेफर किया गया। संगरिया पुलिस के मुताबिक महिला लिव इन में रहती है। महिला का आरोप है कि जिस युवक के साथ वो रहती है अब वो शादी से इनकार कर रहा है। संगरिया थाने में युवक के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। भिलवाड़ा के इटरिया गांव में 2 साल की बच्ची चांदीपुरा वायरस से संक्रमित मिली है। बच्ची का अभी अहमदाबाद में इलाज चल रहा है। फिलहाल बच्ची की हालत नाजुक बनी हुई है और 2 दिन से वो बेहोश है। 2 साल की बच्ची को रविवार को बुखार की शिकायत होने पर विजयनगर में जिला अस्पताल में लेके गए। वहां पर भर्ती दरअसल पहले निजी अस्पताल में कराया गया था, लेकिन फर्क जब नहीं पड़ा तो परिजन भिलवाड़ा स्थित निजी हॉस्पिटल में लेकर पहुंचे। दौसा के मोहलाई विद्यालय के छात्रों ने स्कूल के जर्जर हालातों का प्रदर्शन किया है। इसको लेकर यहां पर प्रशासन से स्कूल को दुरुस्त कराने की मांग की गई है। दरअसल बारिश के मौसम में सिकराय उपखंड क्षेत्र के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय मोहलाई के क्लास में छत से पानी टपक रहा है, जिससे पढ़ने वाले छात्रों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही छात्रों को कुछ अनहोनी का डर भी सता रहा है। तो वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि कई बार शिक्षा विभाग को पत्र भी लिखा जा चुका है, लेकिन इस पर कोई सुनवाई नहीं हो रही। गांव की स्कूल की स्थिति पूर्णतया क्षतिग्रस्त है। ऊपर की छत नीचे पूर्णतया डैमेज स्थिति में। कई बार पंचायत प्रशासन को शिक्षा विभाग के आला उच्च अधिकारियों का अवगत कराने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमारे स्थानीय विद्यालय का भवन इस समय जर्जर स्थिति में है। इसकी छतें पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है, पानी टपकता है, बच्चे कक्षा में नहीं बैठ पाते हैं और बारिश के मौसम में पढ़ाई बाधित रहती है। हमने पहले भी उच्च अधिकारियों को इस बारे में अवगत करवा दिया है और दोबारा से भी हमने अवगत करवाया अधिकारियों को, लेकिन अभी तक तो कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। तो हमारा निवेदन है कि शीघ्र से शीघ्र बच्चों की समस्या का हल करने का प्रयास किया जाए। बच्चे भी विद्यालय आने से कतरा रहे हैं, अभिभावक भी बच्चों को विद्यालय भेजने से कतरा रहे हैं, क्योंकि भाई बच्चों की बैठने की असुविधा हो रही है। योजना में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने नियमित मानदेय बढ़ाने समेत कई मांगों को लेकर कलेक्टर पर जाकर प्रदर्शन किया और इसके बाद कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। आंगनबाड़ी कर्मचारी महासंघ के जिलाध्यक्ष कृष्ण कंवर ने कहा है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को न्यूनतम मजदूरी भी नहीं दी जा रही। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को न्यूनतम मजदूरी 18,000 रुपए हर महीने दिलवाने
बकाया मानदेय का भुगतान करने समेत कई मांगे हैं जो सरकार जल्द पूरे करे। इस तरह की बातें यहां पर इन आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की तरफ से कही जा रही है। जो ऊंट के मुंह में जीरे के समान कुछ भी नहीं है हमारे कार्य को देखा जाए तो। बच्चों के लिए भी बातें किया जा रहा, साथ में किसको पढ़ाओ, अरे पढ़ाने पढ़ाए तब तो पहले तो हमारे पास समय होना चाहिए ना, इसलिए पढ़ाए ना। काम इतना IGMPY योजना और PMBY योजना, सैनिटरी नैपकिन का कार्य है, प्रेग्नेंट महिला उसका ऑनलाइन करो, दात्री महिला उसका ऑनलाइन करो, इतना और हर जगह कार्यकर्ता की ड्यूटी, मतदाता सूची में नाम जुड़वाना है, मतदाता सूची से नाम हटवाना है, कोई भी कार्य हो बूथ पर है या फिर पोलियो में है, कोई भी हर जगह कार्यकर्ता की ड्यूटी लगाई जा रही है, उसके बदले में दिया कुछ भी नहीं जा रहा है। जयपुर से बड़ी खबर आ रही है जहां पर निजी स्कूलों की मनमानी के खिलाफ शिक्षा विभाग सख्त नजर आ रहा है। गवर्नमेंट हॉलिडे पर छुट्टी नहीं करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। कई निजी स्कूल संचालकों ने छुट्टी के आदेश नहीं माने। 9 जुलाई को विश्व आदिवासी दिवस पर छुट्टी नहीं की गई, लेकिन कुछ स्कूलों ने आदिवासी दिवस पर अवकाश घोषित नहीं किया। माध्यमिक शिक्षा निदेशक आशीष मोदी ने कहा, गवर्नमेंट हॉलीडेज पर खुलने वाले स्कूलों के खिलाफ अब सख्त कार्रवाई होगी। आदिवासी दिवस पर जो भी स्कूल संचालित होंगे, संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी कार्रवाई करेंगे। निदेशक मोदी ने कहा है कि जिन स्कूलों पर जिला शिक्षा अधिकारी कार्रवाई नहीं करेंगे, उन अधिकारियों पर कार्रवाई हो जाएगी, यानी कि उन पर भी एक्शन हो जाएगा। गवर्नमेंट हॉलीडेज पर चलने वाले स्कूलों पर अब गाज गिरना तय माना जा रहा है। तो बड़ी खबर निजी स्कूलों को लेकर आ रही है। मनमानी के खिलाफ निजी स्कूलों की शिक्षा विभाग सख्त होता हुआ नजर आ रहा है। खास तौर पर गवर्नमेंट हॉलिडे पर जिसने छुट्टी नहीं की उस पर एक्शन लिया जाएगा। तो जयपुर से बड़ी खबर अपने दर्शकों को बताई जहां पर निजी स्कूलों की मनमानी के खिलाफ शिक्षा विभाग सख्त नजर आ रहा है। गवर्नमेंट हॉलिडे पर छुट्टी नहीं करने पर सख्त कार्रवाई की बात कही गई है। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ते हुए अजमेर का रुख कर रहे हैं जहां पर एक युवती से शादी का झांसा देकर रेप करने का मामला सामने आया। पीड़ित ने स्कूल फ्रेंड पर 6 साल तक झांसा देकर अलग अलग होटल और कैफे में रेप करने के आरोप लगाए हैं। पीड़िता की ओर से आदर्श नगर थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के बाद जांच भी शुरू कर दी है। एक अजमेर की रहने वाली एक 23 वर्षीय युवती ने एक मुकदमा दर्ज कराया है, जिसमें उसने बताया कि मैं जिस लड़के के साथ पढ़ती थी उसकी पढ़ाई के समय से मेरी दोस्ती थी, उसके बाद में पिछले 3 साल से 8 साल से मैं उसके साथ रिलेशनशिप में रह रही थी। उसने इस लड़की को ये कहा था कि मैं शादी कर लूँगा, लेकिन 3-4 साल रिलेशनशिप में रहने के बाद में इसने शादी से मना कर दिया। तो इसलिए इस युवती द्वारा उसके खिलाफ देश रोशन का मुकदमा दर्ज कराया, जिसमें पीड़िता की तरफ से FIR दर्ज की जा चुकी है, उसका मेडिकल मुआयना कराया जा चुका है और बाकी अन्य तफ्तीश जारी है। तफ्तीश के बाद में जो अग्रिम कार्रवाई होगी वो की जाएगी। और अब बात करते हैं बांसवाड़ा के, जहां पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर HR ताबियार ने आंगनवाड़ी और चिकित्सा संस्थानों का निरीक्षण किया है। इस दौरान उन्होंने शहर के खाटवाड़ा खादु कॉलोनी के आंगनवाड़ी केंद्रों की व्यवस्था देखी। MCHN डे शिविर का निरीक्षण के दौरान मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने गर्भवती महिलाओं को माँ वाउचर योजना की जानकारी दी। शिविर की महिलाओं ने पहल का स्वागत भी किया। योजना के लाभों के बारे में जानकर काफी उत्साहित भी नजर आई। मौके पर गर्भवती महिलाओं को स्वास्थ्य जांच और पोषण से संबंधित जानकारियां भी दी गईं। जिले में MCHN डे सभी चिकित्सा संस्थानों एवं आंगनवाड़ी पे और सभी संस्थानों में जैसा डे जिले में फिक्स होता है उसी आधार पे मनाते हैं, और उसी के दौरान आज यहाँ पे मैं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नवागांव के अंदर एक आंगनवाड़ी है यहाँ पे आया था, और भीमखोर है लिमखोरा तो यहाँ पे आए थे और यहाँ पे देखा हमने। काफी यहाँ पे बस्ती वैसे बिखरी बस्ती है और पॉपुलेशन भी कम है।
राजसमंद सांसद महिमा कुमारी ने संसद के बजट सत्र के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शिष्टाचार मुलाकात की है। प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान से सबसे बड़ी जीत के लिए सांसद को बधाई भी दी। सांसद महिमा कुमारी ने लोकसभा चुनाव में उन पर विश्वास व्यक्त करने के लिए आभार भी जताया। कहा कि संगठन के राष्ट्र निर्माण के उद्देश्य में पूरे समर्पण के साथ काम करूंगी। शिष्टाचार भेंट के दौरान राजसमंद संसदीय क्षेत्र के लंबित और नए विकास कार्यों को लेकर भी चर्चा की गई। सांसद बेवार ने कहा कि पीएम मोदी से मुलाकात के बाद सकारात्मक कार्यों के प्रति विशिष्ट ऊर्जा की अनुभूति हो रही है। उधर मंत्री दिलावर ने बांग्लादेश मामले पर प्रतिक्रिया दी और कहा कि बांग्लादेश में जो कुछ भी हो रहा है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। साथ ही उन्होंने सलमान खुर्शीद के बयान को भी अराजक बताया है। कहा कि अराजक तत्व ही ऐसी बातें करते हैं। सलमान खुर्शीद का बयान देश को नुकसान पहुंचाने वाला है। का जो घटनाक्रम हुआ है उसको लेकर के लगातार बयानबाजी हो रही है। सलमान खुर्शीद कांग्रेस के नेता, पूर्व विदेश मंत्री, उनका भी एक बयान आया है कि ऐसा भारत में भी हो सकता है। बांग्लादेश में हुआ है वो दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन सलमान खुर्शीद जी का ये कहना कि यहाँ भी हो सकता है, ये अराजक तत्व ही ऐसी बात कर सकते हैं, सामान्य व्यक्ति ऐसी बात नहीं कर सकता। क्या कुछ कहेंगे सर, बांग्लादेश जैसी स्थिति हालात है और जब हमेशा बात होती है उसके बाद में ऐसा देखने को मिला है कि सभी जो लोग हैं शरण लेने के लिए हिंदुस्तान की ओर देखते हैं। हिंदुस्तान ने आज तक सबको शरण दी है। जयपुर में कैबिनेट मंत्री राजवर्धन सिंह राठौर ने हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की है। राजवर्धन सिंह राठौर ने वार्ड नंबर 48 में रामालय वाटिका, पश्चिमी बिहार विस्तार और आसपास की कॉलोनी में पैदल घूमे, जहां उन्होंने स्थानीय लोगों से तिरंगे का सम्मान कर 15 अगस्त को हर घर की छत पर तिरंगा लहराने का आह्वान किया। इस बीच न्यूज 18 संवाददाता ने कैबिनेट मंत्री राजवर्धन सिंह राठौर से खास बातचीत की। कर्नल साहब, हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की, क्या मैसेज देना चाहेंगे आज हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत आपने? देखिए, जब तिरंगा लहराता है तो सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक जोश, एक जुनून, पूरे देश को, हमारी भाषाएं अलग हो सकती है, हमारा खान पान अलग हो सकता है, हमारा देश इतना बड़ा है, इतना डाइवर्स है, उसके बावजूद भी एक सिंबल है ये झंडा होता ही हम सब एक हो जाते हैं। तो यही एक वो भावना है। 15 अगस्त के दिन हजारों लोगों ने अपनी कुर्बानियां दी हैं भारत को आजाद करने के लिए। ये आजादी आसानी से नहीं मिली है, इसकी भारत के हमारे पूर्वजों ने कीमत चुकाई है। हमारा धर्म सुरक्षित, हमारी संस्कृति सुरक्षित, उसके लिए बहुत बड़ी कीमत चुकाई है। आज के नौजवानों को ये एक दिन आता है कम से कम जिसमें सब याद करते हैं कि वो कुर्बानियां दी हैं, इसलिए हमें भी अपनी इस मातृभूमि की तरफ एक समर्पित भाव से जीना चाहिए, एक अच्छे नागरिक के रूप में जीना चाहिए। संविधान भी हमें ये सिखाता है कि जहां हमारे अधिकार हैं वहां हमारी जिम्मेदारी भी है, तो उसको एक दिन याद दिलाने का अवसर है। ये छोटे बच्चे खड़े हैं, स्कूलों के अंदर कार्यक्रम होते हैं। अब 2014 के बाद स्कूलों से कार्यक्रम निकल के साधारण लोगों के बीच में आ गए हैं। आप देखिए, कब होता था ऐसे, जब एक पूरा का पूरा जुनून लोगों में होता था। तो 15 अगस्त है, प्रदेशवासियों और क्या अपील होगी कि वे भी जाएं, घरों की छतों पर जाएं, तिरंगा लहराएं? देखिए, हाँ बिल्कुल, हर व्यक्ति को हर घर के ऊपर तिरंगा होना चाहिए, हमारे मान सम्मान की बात है। हमारे सैनिक अपनी जवान जान गंवाते हैं देश को सुरक्षित रखने के लिए, इस झंडे के सम्मान के लिए। बच्चों पे पुष्प वर्षा, बच्चों के द्वारा कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का, देखिए देख सकते हैं कितना उत्साह है यहाँ पर बच्चों में, नजर आए बच्चों के हाथों में तिरंगे झंडियां हैं, बच्चे यहाँ पर खुद भारत माता की जय के साथ जयकार के साथ में तिरंगा यहाँ पर लहरा रहे हैं। और अजमेर से बड़ी खबर आ रही है, ब्लू स्मार्ट के कोफाउंडर पुनीत गोयल ने नेटवर्क 18 के प्रोजेक्ट 13 का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि वो प्रोजेक्ट 13 के बारे में सुनकर बेहद खुश हैं। इसे जीवन का वृक्ष या जीवन देने वाले पेड़ कहा जाता है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हम अपने जीवन काल में ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने की ओर ध्यान दें, निवेश करें, योगदान दें। ब्लू स्मार्ट में हम कह रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं।
I'm extremely happy to hear about Network 18's initiative Project One Tree. I mean, for reasons it's called Tree of Life, or trees give us life, is very, very important for all of us to ensure that, you know, in a lifetime we do give towards or invest towards planting more trees. At GrowSmart, we are doing it, and we also look forward. I'm sure everybody will do that in their lifetime. और इसी के साथ बाल राजस्थान में आज के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज 18 राजस्थान के साथ। नमस्कार।